हेलो गाइस, मैं आशी कहाँ चुका हूँ फूड लवर्स पे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले मुर्मुरा लड्डू यानी मुर्मुरा के लड्डू। कुछ लोग इसे फूली के लड्डू बोलते हैं। बिल्कुल मार्केट में मिलने जाने वाले मुर्मुरा लड्डू जैसे ही होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून घी लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कप बारीक या एकदम रफली चॉप्ड कटा हुआ जैगरी यानी गुड़ ले लिया है। इसे हम धीमी आंच या मीडियम आंच पर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पूरा मेल्ट नहीं हो जाता और ये लाल कलर का नहीं हो जाता। अब इसे मिक्स कीजिए। अब लगभग इसे 2 मिनट लगते हैं अच्छे से मेल्ट होने में। अब देख सकते हैं परफेक्ट है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। देख सकते हैं परफेक्ट रेड कलर हो चुका है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मुरमुरे, ये जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं मुरमुरे। इसे मैंने पहले 4 से 5 कप लिए, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे वैसे वैसे आप इसमें और ऐड करते जाइए मुरमुरे। यहाँ पे लगभग मैंने 5 कप मुरमुरे लिए। देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसके, एकदम अच्छे से मुरमुरे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसका छोटा सा हिस्सा लेके हमारे हाथों के बीच इसी तरीके से दबा के इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरे शेप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से देख सकते हैं मैंने बाकी के मिक्सचर के साथ भी बॉल्स बना लिए। तो हमारे मुरमुरे के जो लड्डू है एकदम बाज़ार में मिलने वाले टेस्टी, घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं।